मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंडियों की आय बढ़ाने और किसानों की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए राज्य मंडी परिषद के दो महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। मंगलवार को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राज्य मंडी परिषद बोर्ड की बैठक हुई। इसमें मंडियों की आय बढ़ाने के लिए मंडियों की अप्रयुक्त भूमि पर पेट्रोलियम कंपनियों सीएनजी कंपनियों को पेट्रोल पंप सीएनजी पंप खोलने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। पहले चरण में 30 मंडियों में पेट्रोल पंप खोले जाएंगे। पेट्रोल कंपनियों को मंडी और उप मंडी परिसर में 1600 वर्ग मीटर तक भूमि लीज पर दी जाएगी। इससे भूमि का स्वामित्व भी नहीं बदलेगा। बताया गया है कि इससे किसानों व्यापारियों और मंडी से संबंधित अन्य लोग भी लाभान्वित होंगे। इसी तरह मंडियों की खाली दुकानें अब बाहरी लोगों को भी आवंटित की जा सकेंगी। तय किया गया है कि यदि 10 दुकानें खाली हैं तो तय प्रक्रिया के अनुसार 5 दुकानें मंडी में पंजीकृत लोगों को मिलेंगी, 4 दुकानें गैर पंजीकृत लोगों को आवंटित की जा सकेंगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय दौरे पर आज गोरखपुर पहुंचेंगे। इन दोनों दिनों में वो जिले के लोगों को 1805 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का तोहफा भी देंगे। इस दौरान वो वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स गोरखपुर नगर निगम के नए सदन भवन 3 आईटीआई 1 पॉलिटेक्निक 1 राजकीय मेडिकल कॉलेज विश्वविद्यालय में छात्रावास महानगर की दूसरी मल्टी लेवल पार्किंग ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सिवरेज सिस्टम पेयजल सड़क नाली समेत सैकड़ों विकास परियोजनाओं की सौगात भी वो जनता को देंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा समाजवादी पार्टी की एबीसीडी का मतलब अपराध भाई भतीजावाद करप्शन और दंगा बताए जाने से कुछ ही घंटों बाद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पलटवार किया है। अखिलेश ने एबीसीडी का मतलब अब बीजेपी छोड़ दो बताया। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने ट्वीट किया कि हाथरस लखीमपुर गोरखपुर आगरा कांड जैसे कांड की वजह से अब तो बीजेपी के समर्थक भी उसके खिलाफ खड़े होकर कह रहे हैं कि एबीसीडी का मतलब ए मतलब अब, बी मतलब बीजेपी, सी मतलब छोड़ और डी मतलब दी। आपको बता दें कि तीनों जिले के दौरे पर पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सपा पर निशाना साधते हुए कहा था कि उसकी एबीसीडी का मतलब अपराध आतंक भाई भतीजावाद करप्शन और दंगा है। बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष शाह ने मंगलवार को हरदोई में पार्टी की जन विश्वास यात्रा के तहत आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी की एबीसीडी ही उल्टी है। ए से मतलब है अपराध और आतंक, बी से मतलब है भाई भतीजावाद, सी से मतलब है करप्शन और डी से मतलब है दंगा। मेरठ के सरदना विधानसभा के गांव सलावा में 2 जनवरी को प्रधानमंत्री मेजर ध्यानचंद खेल यूनिवर्सिटी का शिलान्यास करेंगे। आपको बता दें कि नोएडा के निजी स्पोर्ट्स स्टेडियम के अवसर पर उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री ने मेरठ में खेल यूनिवर्सिटी बनाने का ऐलान किया था। बताया जा रहा है कि 700 करोड़ की लागत से मेजर ध्यानचंद खेल यूनिवर्सिटी बनेगी और इसके लिए 90 से ज्यादा एकड़ भूमि भी चिन्हित की गई है। प्रदेश सरकार की तरफ से 20 करोड़ रुपए की धनराशि आवंटित भी कर दी गई है। तीस दिसंबर को बीजेपी की जन विश्वास यात्रा संत कबीर नगर पहुंचेगी। जन विश्वास यात्रा में शामिल होने के लिए देश के गृह मंत्री अमित शाह और सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 31 दिसंबर को संत कबीर नगर पहुंचेंगे। संत कबीर नगर के खलीराबाद में गृह मंत्री और मुख्यमंत्री बीजेपी के जन विश्वास यात्रा में शामिल होंगे और जनसभा को भी संबोधित करेंगे। गृह मंत्री और मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। बीजेपी नेता वैभव चतुर्वेदी ने कार्यक्रम को सफल बनाने को लेकर पूरी ताकत लगा दी है। बीजेपी इस जनसभा के जरिए संत कबीर नगर में अपना दबदबा आने वाले विधानसभा चुनाव में कायम रखने की पूरी कोशिश करेगी। देखिए आगामी 31 दिसंबर को संत कबीर नगर में खैलाबाद विधानसभा में जो है जो जिला मुख्यालय है यहाँ पर कश्मीर से कन्याकुमारी तक और कच्छ से कामाख्या तक भारत की आंतरिक सुरक्षा को अभेद बनाने वाले देश के यशस्वी गृह मंत्री श्री अमित शाह जी यहाँ रहेंगे। कार्यक्रम में जो जन विश्वास यात्रा आ रही है वो 31 दिसंबर को संत कबीर नगर खैलाबाद में प्रवेश करेगी
और खैलाबाद में वह यात्रा है और उस यात्रा में शामिल होने आ रहे हैं वो, और एक विशाल जनसभा का भी उस दिन आयोजन है। हरदोई के जीआईसी मैदान में जनविश्वास रैली को संबोधित करने पहुंचे देश के गृह मंत्री अमित शाह ने सपा बसपा और कांग्रेस पर उत्तर प्रदेश में विकास न करने और राम मंदिर निर्माण में रोड़ा अटकाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी की एबीसीडी ही उल्टी है, जिस पर भारतीय जनता पार्टी ने रोक लगाई है। उन्होंने कहा कि सपा बसपा कांग्रेस जितनी चाहे ताकत लगा ले, लेकिन अयोध्या में आकाश को छूने वाला भव्य श्री राम मंदिर जल्द ही बनेगा। सभा को डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा ने भी संबोधित किया। मोदी जी की सरकार गरीब के विकास के लिए कटिबद्ध है, इसमें भ्रष्टाचारियों की कोई जगह नहीं। मित्रों, अभी अभी आपने देखा होगा कश्मीर की बात आती है तो उनको बड़ा बुखार आ जाता है। मित्रों, कितने सालों से 1950 से भारतीय जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी एक विचार लेकर निकले थे कि कश्मीर हमारा है। हमारे प्रथम अध्यक्ष श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कश्मीर के लिए बलिदान दिया और हम नारा लगाते थे, जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर। जरा जोर से बोलिए, जहां हुए बलिदान मुखर्जी। कानपुर में इत्र कारोबारी पीयूष जैन की गिरफ्तारी के बाद भी ठिकानों पर छापेमारी जारी है। जीएसटी इंटेलिजेंस की टीम अभी भी पीयूष जैन के कन्नौज के घर में मौजूद है। लगातार 6 दिन से कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दें कि पीयूष जैन के कन्नौज के पैतृक आवास समेत कुछ अन्य ठिकानों पर जीएसटी की रेट पड़ रही है। सूत्रों के मुताबिक पीयूष जैन के कन्नौज में 3 घर हैं, वहां भी करोड़ों की नकदी मिली है। वहीं अब तक कुल 200 करोड़ रुपए से ज्यादा कैश बरामद होने की जानकारी मिली है। तो लगातार आपको बता दें, बीते कई दिनों से पीयूष जैन के घर पर कार्रवाई की जा रही है, छापेमारी की जा रही है और DRI 23 kg सोने के लिंक को तलाशने की कोशिश कर रही है। क्योंकि आपको बता दें कि भारी मात्रा में सोने चांदी बरामद किया गया है पीयूष जैन के घर से। इसके साथ ही बहुत बड़ी संख्या में कैश भी करोड़ों में यहां से बरामद किया गया है। साथ ही आपको बता दें कि 300 चाबियां भी पीयूष जैन के घर से बरामद हुई हैं, और अब 300 चाबियां कितने राज खोलेंगी, ये भी कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल यहाँ पर बना हुआ है। तो पीयूष जैन के घर से लगातार आपको बता दें कई चीजें निकल कर सामने आ रही हैं। सोने चांदी के बाद कैश मिल चुका है, और साथ ही आपको बता दें कि मशीनें लगातार पहुंच रही थी पीयूष जैन के घर पर, क्योंकि नोटों की इतनी गड्डियां मिली कि मशीनों की मदद लेनी पड़ी गिनने के लिए। साथ ही आपको ये भी बता दें कि कन्नौज और कानपुर दोनों ही जगह पर पीयूष जैन के घर हैं, जहां पर लगातार बीते कई दिनों से छापेमारी की जा रही है। ऐसे में कई और चीजें भी यहाँ पर बरामद की गई है। तो शुभम कटियार यहाँ पर हमारे संवाददाता हमारे साथ कानपुर से जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। शुभम, जिस तरह से पीयूष जैन के घर पर ये 6 दिन से कार्रवाई चल रही है, अभी क्या अपडेट है, ताजा हालात कैसे हैं? शुभम, मेरी आवाज मिल रही है क्या आपको? चलिए ठीक है, दोबारा से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे में लगातार आपको बता दें, कन्नौज से लेकर कानपुर तक छापेमारी की जा रही है। दोनों ही जगह पर ये लगातार छापेमारी हो रही है। साथ ही बता दें, दोनों ही जगह पर पीयूष जैन के घर हैं। पीयूष जैन की गिरफ्तारी तो हो चुकी है, लेकिन उसके बाद भी छापेमारी अब तक जारी है, क्योंकि तमाम चीज़ें, तमाम सामान पीयूष जैन के घर से अब तक बरामद हो रहा है।
मुजफ्फरनगर पुलिस ने अवैध शराब के मामले में 12 तस्करों को गिरफ्तार किया है। वहीं इसी के साथ पुलिस ने शराब बनाने के उपकरण और 1.25 करोड़ की अवैध शराब भी बरामद की है। पुलिस ने अवैध शराब निर्माण और बिक्री में शामिल अंतरराज्यीय शराब माफिया गिरोह के 12 सदस्यों को भी गिरफ्तार किया है। इसमें एक पूर्व फौजी सहित कई सक्रिय शराब माफिया भी शामिल है। फिलहाल पुलिस ने अभियुक्तों को जेल भेज दिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। एक आगामी चुनाव के मद्देनज़र जो मुजफ्फरनगर पुलिस और मुजफ्फरनगर एक्साइज टीम और हम सब लोग की जॉइंट टीम्स लगी हुई थी और इसमें हम लोगों ने एक इंटरस्टेट गैंग पकड़ा है जो कि आगामी चुनाव के चलते एक ज़्यादा सक्रिय हो गया था और बड़े तादाद पे शराब बना के बेचने का उनका प्रयास था। इसमें जो इंटरस्टेट गैंग पकड़ा गया है ये जनपद हरिद्वार, जनपद मुजफ्फरनगर और अलीगढ़ के इनसे क्या कहते हैं रैपर, ढक्कन, होलोग्राम्स बरामद हुए हैं और इनका जो टारगेट था वो ये था कि इनसे ईएनए भी बरामद हुआ है। 1.5 लाख से अधिक रैपर बरामद हुए, 1 लाख से अधिक ढक्कन बरामद हुए, 300 लीटर से ज़्यादा ईएनए बरामद हुआ है। प्रतापगढ़ के लालगंज कोतवाली क्षेत्र में किराना व्यापारी ने अपने बेटे के लापता होने की सूचना पुलिस को दी थी, जिसके बाद पुलिस युवक की तलाश में जुट गई थी। वहीं पुलिस ने युवक का शव खंडहर के घर में बरामद किया। पुलिस ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि युवक की हत्या उसी के दोस्तों ने की है। युवक के दोस्तों ने फिरौती के लिए पहले अपने दोस्त का अपहरण किया, लेकिन दोस्त के शोर मचाने पर उसकी चाकू से निर्मम हत्या कर दी। वहीं आरोपियों ने व्यापारी के बेटे के शव को खंडर के घर में फेंक दिया और मौके से फरार हो गए थे। पुलिस ने आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया है और उनसे आगे की पूछताछ भी की जा रही है। ये थाना लालगंज क्षेत्र में दिनांक 25 दिसंबर की शाम से लड़का एक गायब हुआ था और उसमें उसकी उम्र 17 साल थी और उसके दोस्तों पर शक जाहिर किया गया, उसमें केस रजिस्टर्ड किया गया था जो परिवार वालों ने दिया था। उसके बाद पुलिस ने अपनी तफ्तीश शुरू की और 24 से 36 घंटे के अंदर पूरा प्रयास करके और पूछताछ करके घटना का अनावरण किया और इसमें 2 लड़के हिरासत में लिए गए हैं जो उसके मित्र ही थे। उन्होंने ये सोचा था कि उससे उनके परिवार वालों से कुछ फिरौती की रकम लेंगे। सहारनपुर के देवबंद क्षेत्र में बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला मंत्री वसीम अब्बास नकवी की आवास पर मुस्लिम समाज की बैठक आयोजित की गई, जिसमें बैठक को संबोधित करते हुए शिया धर्म गुरु अल्लामा डॉक्टर सैयद हबीब हैदर आबादी ने कहा कि उत्तर प्रदेश के अंदर अखिलेश सरकार ने मुस्लिम युवाओं को रोजगार न देकर सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया था, जबकि प्रदेश की बीजेपी सरकार के शासन में मुस्लिम समाज को रोजगार के साथ साथ सम्मान भी दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में मुस्लिम समाज बीजेपी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होगा और बीजेपी के हाथ मजबूत करने का काम भी करेगा। जब तक दंगा मुक्त प्रदेश नहीं होगा, जब तक जराइम मुक्त प्रदेश नहीं होगा, तब तक प्रदेश विकास नहीं कर सकता, प्रदेश तरक्की नहीं कर सकता। ये 5 सालों में दंगे नहीं हुए, बड़े बड़े जो जराइम करने वाले थे उनको जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया गया है। हमारी माएँ बहनें सुरक्षित हैं, सड़कों का माहौल पहले से बेहतर है, उद्योग हमारे प्रदेश में निवेश कर रहा है, क्योंकि जब तक प्रदेश में अमन शांति नहीं होगी वहाँ निवेश नहीं होगा, जब तक निवेश नहीं होगा तो उस प्रदेश की उन्नति नहीं हो सकती है। बलरामपुर में पचपेड़वा तुलसीपुर क्षेत्र में जिला स्तरीय खेल कूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि तुलसीपुर राम शरण गुप्ता, विशेष अतिथि तुलसीपुर देवी पाटन मंदिर मिथिलेश नाथ योगी ने जिला स्तरीय खेल कूद प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। शासन के निर्देश पर शिक्षक के साथ साथ बच्चों को खेल कूद के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए खेल कूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। आपको बता दें कि खेल कूद प्रतियोगिता में छात्र छात्राओं ने लंबी कूद, वॉलीबॉल, कबड्डी, खो खो प्रतियोगिताएं आयोजित की थी। वहीं लंबी कूद प्रतियोगिता में पहला, दूसरा और तीसरा स्थान पाने वाले छात्र छात्राओं ने को इनाम भी दिया गया, उन्हें सम्मानित भी किया गया। केवल इतना कहने चाहेंगे कि खेल कूद करना स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी है और ज़रूरी है। शिक्षा से आखिर सर्वांगीण विकास होगा, वैसे ही खेल कूद से भी शरीर का सर्वांगीण विकास होगा, जिससे हमारे बच्चे आगे जाएंगे,
हमारे क्षेत्र का, हमारे प्रदेश का, हमारे देश का नाम रोशन करेंगे और ये कर भी रहे हैं। इनके प्रतिभाओं को निखारने के लिए आज ये खेल का जो कार्यक्रम रखा गया है ताकि थारू जनजाति के बच्चे जो है आगे भविष्य में स्टेट लेवल तक जो है कि ये खेलकूद का प्रोग्राम कर सकें और देश का नाम रोशन कर सकें। तो मैं आशा करता हूँ कि इस क्षेत्र के सभी लोग और थारू जनजाति के खास तौर से जो बच्चे हैं इन सब का भविष्य उज्जवल होगा। पूर्व विधायक विजयपाल सजवान उपला टकनौर क्षेत्र के पुराली ग्राम सभा पहुंचे और जसपुर ग्राम सभा के सभी लोगों ने विजयपाल सजवान का फूलमाला से स्वागत किया और अपनी ग्राम सभा की समस्या बताई। वहीं विजयपाल सजवान ने डबल इंजन की सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि उपला टकनौर क्षेत्र में पर्यटकों की अपार संभावनाएं हैं और डबल इंजन की सरकार ने क्षेत्र में कुछ भी कार्य नहीं किया। तो पुराली ग्राम सभा विधायक पहुंचे विजयपाल सजवान, जहां पर उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। साथ ही उन्होंने कहा कि यहां पर डबल इंजन की सरकार ने कोई काम नहीं किया है और कुछ विकास भी क्षेत्र में नहीं हुआ है। आपको बता दें कि विधायक के पहुंचने पर ग्राम सभा के लोगों ने उनका फूल मालाओं से स्वागत किया, भव्य स्वागत किया गया और अपनी ग्राम सभा की समस्याएं लोगों ने उनको बताई। वहीं विजय सजवान ने डबल इंजन की सरकार पर निशाना साधा, यानी कि बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि यहाँ पर डबल इंजन की सरकार ने कोई काम नहीं किया। साथ ही उन्होंने कहा कि उपला टकनौर क्षेत्र में पर्यटकों की अपार संभावनाएं हैं और डबल इंजन की सरकार ने क्षेत्र में कोई काम नहीं किया है। उपला टकनौर के क्षेत्र में भ्रमण करने आया हूं और ये उपला टकनौर के वो लोग हैं जो हमारे इस प्रहरी भी हैं। जैसे हिमालय एक हमारा स्तंभ है हिमालय की तरह, ये पूरे उपला टकनौर के लोग प्रहरी भी हैं। आज मैं इनके बीच में आया हूँ। आज सबसे पहले तो यहाँ पर महंगाई बेरोजगारी का मुद्दा के साथ साथ यहाँ पर पर्यटन की अपार संभावनाएं होने के बावजूद भी डबल इंजन की सरकार के द्वारा न महंगाई कम करी गई, न बेरोजगारी को दूर करने के लिए कोई ठोस कदम उठाए गए और पर्यटन की दृष्टि में आज तक भी कोई पर्यटन नीति न होने से यहाँ का अपना युवा अपने आप को ठगावा महसूस कर रहा है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, रुक करेंगे कुछ और खबरों का। रुड़की नगर निगम क्षेत्र में मेयर गौरव गोयल पर एक और मामले में कमीशन मांगने का आरोप लगा है। यह आरोप किसी और ने नहीं बल्कि एक एडवाइजेज कंपनी के पार्टनर और किसान नेता तंज सर अली ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान लगाया। उनका कहना है कि उनकी कई सालों से एक कंपनी है जिसके चलते वो शहर के मुख्य चौराहों पर पुलिस पिकेट लगा रहे हैं और पुलिस हर समय चौराहों पर ड्यूटी देती है, जिसमें सर्दी हो या गर्मी हो इसी बात को देखकर कंपनी ने हर चौराहे पर पुलिस लगाने का काम किया। पूरे शहर में स्टील से बने पुलिस पिकेट की कीमत लगभग 1,20,000 रुपए है और इस पुलिस बूथ की परमिशन ट्रैफिक पुलिस के अधिकारियों ने उन्हें दी है और पिकेट लगाए जाने के को लेकर मेयर गौरव गोयल पर कमीशन मांगने का आरोप भी लगाया जा रहा है। आप सभी का धन्यवाद करता हूँ, आप सबने मुझे बोलने का मौका दिया। ये हमारे मेयर हैं गौरव गोयल जी, ये कह रहे हैं कि हमारे पास पुलिस बूथ की परमिशन नहीं है और इन्हें हटाया जाए। कुछ रुड़की के एडवर्टाइज़र हैं जो इस बात को लेके विवाद कर रहे हैं और धरना दे रहे हैं। वो कुछ एक टेंडर के लिए भी विवाद कर रहे हैं कि ये टेंडर नहीं होना चाहिए, इसे निरस्त करा जाए। जब किसी आदमी ने टेंडर दिया है और पैसे भरे हैं तो वो कैसे निरस्त कर ले? अब 20 आदमी बन के एक आदमी पर दबाव बनाए, ये तो रुड़की की जनता को शोभा नहीं देता और सभी एडवर्टाइजर ये हमारे मेयर साहब को भी शोभा नहीं देता कि आप 20 आदमी की बात सुने और एक की ना सुने, एक आदमी को दबाया जाए।
जैसे जैसे उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव का समय नजदीक आ रहा है, सभी राजनीतिक दलों की सरगर्मियां बढ़ गई हैं। आम आदमी पार्टी भी उत्तराखंड में अपनी ताल ठोक रही है। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता उत्तराखंड का दौरा कर रहे हैं। आपके दिल्ली कैबिनेट मंत्री इमरान हुसैन मंगलवार मैंगलोर पहुंचे और मोहल्ला कटहेड़ा में एक जनसभा को संबोधित किया। मैंगलोर पहुंचने पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कैबिनेट मंत्री इमरान हुसैन का जोरदार स्वागत किया। वहीं मैंगलोर विधानसभा में नवनीत सिंह राठी को विधानसभा प्रभारी भी बनाया गया है। देखिए, जनता त्रस्त है भाजपा कांग्रेस से और सब बदलाव चाहते हैं। हर व्यक्ति बदलाव चाहता है, हर आदमी चाहता है कि उसके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं मिले, बिजली फ्री मिले, बुजुर्गों को सम्मान मिले, महिलाओं को सम्मान मिले, महिलाओं को सुरक्षा मिले, किसानों को सुरक्षा मिले, किसानों के MSP की बात। तो हर आदमी चाहता है कि काम हो, विकास हो। अब से पहले 21 साल हो गए यहाँ उत्तराखंड बने हुए, विकास तो हो रहा है लेकिन भाजपा का हो रहा है, कांग्रेस का हो रहा है। और जब एंटी इनकम पैसी होती है एक पार्टी, तो मुख्यमंत्री चेंज करती रहती है।